जैसे किसी के लिए अगर गड्ढा खोदोगे तो उस गड्ढे में खुद भी गिर सकते हो, उसी तरीके से किसी को फंसाने के लिए झूठ बोलेंगे तो उसी झूठ में आप भी फंस सकते हैं। इसी के बारे में ये मूवी होने वाला है, तो आइए जानते हैं। वैसे तो तू झूठी मैं मक्कार का ऑफिशियल ट्रेलर रिव्यू करने वाले हैं हम लोग, लेकिन वो शुरू करें उससे पहले मैं, रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर आपसे कुछ कहना चाहेंगे। प्यार और लवेबल सेम होता है। मैं दोनों हूँ, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। ऐसे ही हमारा चैनल भी दोनों है, हिंदी में भी और मराठी में भी। तो आपको जिस भी लैंग्वेज में रिव्यू सुनना पसंद हो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ट्रेलर देखकर कैसा लगा। मेरा तो दिल कर रहा है कूद के मर जाऊं। मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं कूद के मर जाऊं। क्या कर रहा है, एक बार तो रोक। मुझे उद्देश्य नहीं दिख रहा यार तेरी जिंदगी का, अब क्या करेगा जी के? क्या यार, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक लव स्टोरी, रोमांटिक स्टोरी, कॉमेडी स्टोरी, बस वही का वही कंटेंट रिपीट एंड रिपीट। और ऊपर से इसके अंदर स्टाइल भी किसी और का कॉपी किया है। ब्रह्मास्त्र एक बहुत अच्छा कंटेंट था, टॉपिक था, उसमें भी लव एंगल घुसा दिया, अब पूरी की पूरी लव स्टोरी बनाने जा रहे हैं। लेकिन कॉमेडी है इसलिए हिट होने के चांसेस ज्यादा है। वैसे हम तो रुको 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 हम तो श्रद्धा कपूर के लिए जाएंगे ही, क्योंकि उनकी एक्टिंग और उनको इतने दिनों बाद हम पर्दे पर देख रहे हैं, उसकी एक अलग लेवल की खुशी हमें होने वाली है। सो दैट्स व्हाई थिएटर में जाकर रिव्यू तो हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, और फिर आप लोग तय कर लीजिएगा कि देखने लायक है या नहीं। वैसे मुद्दे की बात कर लेते हैं, सिनेमेटोग्राफी काफी अच्छी लग रही है, विजुअल्स इंटरनेशनल लेवल के लग रहे हैं और एक्टिंग भी सबकी अच्छी लग रही है। स्टोरी वीक है, ऑब्वियसली रोमांस है और वही सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी, लेकिन कॉमेडी उसे कवर कर सकती है। म्यूजिक भी इसमें एवरेज ही लग रहा है, जो टिपिकल बॉलीवुड म्यूजिक्स प्रोडक्शंस में आ रहे हैं आजकल, ऐसे हटके एक्सपेरिमेंट कुछ इसमें लग नहीं रहा। वैसे सॉन्ग्स रिलीज हो गए और मूवी देखेंगे तो इसके बारे में ज्यादा अच्छे तरीके से बता पाएंगे। और ट्रेलर तो एक्साइटमेंट क्रिएट कर ही रहा है, देखने की इच्छा हो रही है, तो इसे अच्छे में कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन अगर आप दिल से मेरे पूछेंगे तो इस मूवी का भी कुछ खास होने वाला है नहीं, पैसों के मामले में ऐसा लगता है। बिकॉज आजकल जो ऑडियंस की चॉइसेस है, ऑडियंस छोड़ो यार मेरी भी पर्सनल चॉइसेस है, उसके क्राइटेरिया में ये मूवी कुछ अलग लग नहीं रहा है। बस श्रद्धा कपूर जैसे मैंने कहा वो एक यूनिक फैक्टर है, बहुत दिनों बाद आ रही है, बहुत तगड़ी एक्टर है और उनके क्यूटनेस एंड एक्टिंग के लिए शायद लोग फिल्म देखने चले जाए। तो क्या होगा वो भविष्य में आपको इसी चैनल में पता चलेगा, आप सब्सक्राइब करके रखने वाले होंगे। और वीडियो यहां तक देख रहे हैं तो लाइक किए बिना तो जाना ही मत। अगर आप मेरे से असहमत है या सहमत है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।